फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम एमएस वर्ड के जो हमारे नेक्स्ट टैब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर हमारे पास बेसिकली चार या पांच ही मेन कमांड होती है, जो बहुत छोटी कमांड्स है। तो ये हमारी जो क्लास है बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग और ग्रामर को करने के लिए हम सबसे पहले कुछ मैटर टाइप करते हैं, और उसके लिए आपको बताया गया हुआ है कि आप मैटर कैसे टाइप कर सकते हैं। इक्वल आर ए एन डी रैंडम फंक्शन से आप मैटर को टाइप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूं। देखिए, नीचे यहां से जूम का ऑप्शन है, यहां से मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ये लीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया ये। अब हमारे पास ये अपने पास एक मैटर लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ताकि हमें पता चले। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, यहाँ पे गैलरीज की स्पेलिंग के अंदर गलत कर देता हूँ, यहाँ पे टेबल की स्पेलिंग से ए हटा देता हूँ, यहाँ पे ये डब्ल्यू बड़ा है कैपिटल में, इसको मैं स्मॉल डब्ल्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक जगह पे स्पेस एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिए यहाँ। तो अब हम क्या करते हैं, इस मिस्टेक को करते हैं कॉपी, और आगे इसी को ही कर देते हैं पेस्ट। तो सेम टाइप की मिस्टेक मेरे पास दो या तीन बार हो चुकी है। तो चलिए अब अपने चलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर देखिए, इसमें हमारे पास दो टाइप की मिस्टेक दिखाता है। एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक, जहां मेरे पास रेड लाइन शो हो रही है वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, एंड सेकेंड इज ग्रामर मिस्टेक, जहां पे मेरे को ग्रीन लाइन शो होती है वो मेरी ग्रामर मिस्टेक है। देखिए, इसमें ग्रामर मिस्टेक क्या होती है कि आपने स्पेस ज्यादा दे दिया है, या फिर आपने लाइन का पहला अक्षर बड़ा नहीं किया है, तो वो इसको ग्रामर मिस्टेक में रखता है। अब जब अपने इसमें क्लिक करेंगे, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर पे यहां क्लिक करते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है F7, F7 से भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को ऑन कर सकते हैं। मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया, ये सबसे पहले मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। ये इंसर्ट को दिखा दिया कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है जो नॉट इन डिक्शनरी है। देखिए, जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में क्या है, आप एमएस ऑफिस जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के साथ साथ एक डिक्शनरी भी इंस्टॉल होती है। तो ये उस डिक्शनरी में से चेक करता है कि कौन सी स्पेलिंग डिक्शनरी में है, कौन सी नहीं है। जो स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है वो इसके लिए मिस्टेक है। सपोज करो मैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम सचिन है, मैं अपना नाम इसमें 10 बार लिखता हूं, तो मेरा नाम तो डिक्शनरी में होगा नहीं, तो वो 10 बार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ही कहलाएगी। तो अब अपने करते हैं, देखिए जैसे इंसर्ट है, जो हमने स्पेलिंग डाली है वो गलत स्पेलिंग है, तो वो इसके लिए एक क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब उस मिस्टेक को सही करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है इग्नोर वंस, और दूसरा इग्नोर ऑल। अब इनका मतलब क्या है, देखिए इंसर्ट स्पेलिंग हमने 3-4 बार गलत की है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो इंसर्ट वाली सेम स्पेलिंग मैंने 4 बार लिखी हुई है। तो देखिए, अगर मैं इग्नोर वंस करूंगा तो इग्नोर का मतलब है उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया जाएगा, बट नीचे से रेड लाइन हट जाएगी, मतलब स्पेलिंग हम सही नहीं करेंगे, हम सिर्फ नीचे से रेड लाइन को हटाएंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो वंस करूंगा तो जो सिलेक्ट है केवल वही इग्नोर होगी। तो देखिए, और इग्नोर ऑल का मतलब जितनी भी स्पेलिंग्स मैंने लिखी है इंसर्ट वाली, वो सारी की सारी एक साथ इग्नोर हो जाएगी, मुझे बार बार इसमें मिस्टेक नहीं दिखाएगा, तो मैं इसे इग्नोर वंस करता हूं। गैलरीज, अब देखिए इसमें और ऑप्शन भी है, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज, चेंज ऑल और ऑटोकैट। ऐड टू डिक्शनरी से क्या होगा, ये स्पेलिंग इस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी, इस कंप्यूटर में जो डिक्शनरी है सिर्फ उसी में ऐड हो जाएगी। तो जब भी आप गैलरीज की स्पेलिंग लिखोगे तो वो कभी गलत नहीं आएगी। जैसे मैं अपना नाम इसमें लिखता हूं तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है, बट ये मेरा कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूंगा, अपने नाम को ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा, तो इस कंप्यूटर में मेरा नाम डिक्शनरी में ऐड हो गया, तो वो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगी। क्लियर? तो ऐड टू डिक्शनरी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग को हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज। अब देखिए, नीचे सजेशन दे रखा है कि जो हमने स्पेलिंग लिखी है वो स्पेलिंग क्या हो सकती है, तो ये सजेशन दे रखा है, इसमें से किसी भी सजेशन से हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको केवल चेंज किया। देखिए, चेंज और चेंज ऑल दो ही ऑप्शन है। देखो, सिर्फ चेंज करूंगा तो जो सिलेक्ट है केवल वो चेंज होगी, चेंज ऑल करूंगा तो यही स्पेलिंग जितनी बार भी लिखी हुई है वो सारी की सारी एक साथ चेंज हो जाएगी, तो मैंने इसको फिलहाल चेंज किया है। अब आगे टेबल की स्पेलिंग है, मैं इसको चेंज ऑल करता हूं, ठीक है, देन ये स्पेलिंग, ये आपका ग्रामेटिकल एरर आया, डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, मैंने कहा इसको भी चेंज कर देते हैं अपने, ठीक है। और योर करंट, यहां पर भी देखिए मैंने स्पेस दिया था एक्स्ट्रा, तो यहां स्पेस कम होना चाहिए था, देन मैंने इसको भी चेंज कर दिया। अब देखिए, इग्नोर किया था मैंने इंसर्ट को, तो ये दोबारा दिखा रहा है, इग्नोर वंस किया था ना तो दोबारा दिखा दिया, मैं इग्नोर ऑल कर देता हूं। गैलरीज को भी मैं चेंज ऑल कर देता हूं। देखिए, जो जो चीजें मैंने वंस की थी वो मुझे बार बार दिखाता रहेगा, और जो मैंने ऑल की है वो मुझे एक ही बार दिखाएगा,
और इस प्रकार हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक सही हो जाएगी। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, कोई भी वर्ड है उसके बारे में पूरी रिसर्च करेगा कि भी वो वर्ड के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर क्या आता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको शो करता है। अब वो कैसे चलेगा ये देखिए, तो मैंने क्लिक किया, जैसे मान लो मैंने करंट, ये है करंट, इसको सिलेक्ट कर रखा है इस वर्ड को, और मैंने रिसर्च पे क्लिक कर दिया। यहां मेरे पास एक टास्क पेन आ चुका है, मैं ये देखिए करंट इस पे लिखा हुआ आ रहा है यहां, मैं इस पे गो पे क्लिक करता हूं स्टार्ट सर्चिंग। तो जैसे मैंने स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, यहां पे सर्च करेगा और करंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो उसके थीसर्स हैं या थीसर्स होते हैं जो पर्यायवाची शब्द वो दिखा रहा है। करंट देखो प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग, रिसेंट, अप टू डेट, ये सारे सारे ऐसे क्या है पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको एक एक करके दिखाता जाएगा। एंड एक नीचे इसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे ये करंट है, मैंने कहा ये हमारे पास इसको मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो अपने यहां पे इसे हिंदी में या किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे फिलहाल ये है ट्रांसलेशन ऑप्शन, इंसर्ट, ये है, ये हमारे पास लिखा हुआ है इंग्लिश, तो पहले यहां पे अपने इंग्लिश ढूंढते हैं, इंग्लिश इसमें ये रही, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हिंदी में। ये देखिए जैसे मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट करके दे देगा। अभी जैसे क्या है कि ये फॉन्ट के कारण सही नहीं दिखा रहा, तो ये ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज ये चेंज करके दे देता है यहाँ पे कि इंसर्ट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ये आपको शो कर देगा। ठीक, किसी भी दूसरी लैंग्वेज में देखो आप चेंज करना चाहो इसको चेंज कर सकते हो, तो ट्रांसलेशन। और हमारे जो आगे के दो ऑप्शन है थीसर्स भी यही पर्यायवाची शब्द ही होते हैं, और ये जो ट्रांसलेशन ऑप्शन है यही ट्रांसलेशन ऑप्शन होता है, करके देखेंगे अपने। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो केवल देखिए पर्यायवाची शब्द दिखा दिए, ओनली ट्रांसलेशन का ऑप्शन नहीं आया, और जबकि अगर मैं क्लिक करता हूं ट्रांसलेट पे तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करता हूं तो पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट सिलेक्ट पे टेक्स्ट करूंगा तो केवल जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसी को ही ये ट्रांसलेट करेगा। ये देखिए केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा है, यहां ऑप्शन आ चुका है ट्रांसलेशन का, और मैं इसमें अगर और डॉक्यूमेंट कर देता हूं तो ट्रांसलेट पूरे डॉक्यूमेंट को करेगा ये, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी आपको, और अलग से आपको कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद इसमें एक है वर्ड काउंट, क्लिक करो ये आपको काउंट करके देता है कि आपके फाइल में पेज कितने हैं। देखिए 1 पेज है, 344 हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं। करेक्टर्स अगर मैं स्पेस को काउंट ना करूं तो 1763 है, और विद स्पेस अगर मैं काउंट करता हूं, मतलब स्पेस को भी एज ए करेक्टर लेकर चलता हूं, तो 2102 है, 2102। पैराग्राफ 5 है, लाइन्स हमारे पास कितनी है 24। अगर मैंने कोई फुट नोट एंड नोट आगे लास्ट में दे रखे हैं उनको भी काउंट करना है तो आप इसको ऑन करें, ये उनको भी काउंट कर देगा, दरवाजा हटा देगा। फिलहाल हमने कुछ दे नहीं है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसमें। नेक्स्ट है लैंग्वेज। यहां पे आपको कुछ नहीं करना होता क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेट होती है, आप इसी को सेट रखने देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन, इसका आ गया कमेंट। कमेंट क्या होता है, देखिए एमएस वर्ड में कमेंट कुछ हिडन वर्ड्स हो सकते हैं। हिडन वर्ड का मतलब ये कि मान लो जैसे गैलरी क्या होती है, इसकी मुझे एक अलग से डेफिनेशन देनी है जो डायरेक्ट फाइल में शो ना हो, अलग से शो हो, मतलब हाइड रे जब मैं कर्सर लेके जाऊं तब शो हो मुझे, तो वो मेरा कमेंट कहलाता है। कैसे होगा, मैंने न्यू कमेंट पे जहां लगाना है कमेंट, आप उस पर कर्सर उसको सिलेक्ट कर लो या उस पर कर्सर रखो और न्यू कमेंट पे क्लिक करें, ये आ गया। मैंने लिख दिया CODEC कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ये मेरा क्या कहलाएगा गैलरी। इसी तरीके से मान लो कुछ और चीज को कराना है आपने, जैसे डॉक्यूमेंट, मान लो डॉक्यूमेंट के लिए मुझे एक कमेंट लगाना है, मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे क्लिक किया, तो डॉक्यूमेंट कैसे कहते हैं, वर्ड फाइल, एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, या आप इसकी पूरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट इज एमएस वर्ड फाइल, जो भी लिखना चाहो आप उसके बारे में लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक पे या किसी भी वर्ड की डेफिनेशन आप अलग से शो कर सकते हो। देखो ये अलग से बैलून शो हो रही है, ये हमारे कमेंट कहलाते हैं। बाकी क्या है कि डिलीट करेंगे कमेंट हट जाएगा, उसके बाद प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, ये आपको लेके जाएगा, नेक्स्ट कमेंट पिछले नेक्स्ट पेज, बस कर्सर चेंज होगा इसमें। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है, ये थोड़ा काम का ऑप्शन है, इसमें सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है, ट्रैक चेंजेस। होता क्या है, देखिए ट्रैक चेंज का मतलब ये होता है कि जो मेरी फाइल है, ठीक है, मैं चाहता हूं मेरी फाइल में किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंज करता है, जैसे मैंने सेव करके छोड़ दी, उसके बाद कोई भी आके उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करता है तो वो मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक चेंज कमांड का यूज करते हैं। ट्रैक चेंज को ऑन करके छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बाद कोई भी आपकी फाइल में अगर चेंज करेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब वो कैसे हुआ ये देखते हैं अपने। चलिए, तो इसमें हमारे पास देखिए
सबसे पहली चीज आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। मैंने फाइल को सेव नहीं किया हुआ था, हम फाइल को सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ए बी सी नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया, इस नाम से पढ़िए। मैंने कहा चलो उसको रिप्लेस मारो, ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब देखिए इसमें ट्रैक चेंजेस, मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक, आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करोगे देखो हाईलाइट हो गया मतलब ऑन है, या फिर आप यहाँ क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो पहला ऑप्शन ट्रैक चेंजेस। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास है ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए मेरे पास दिखा रखा है, देखिए आपकी फाइल में कोई पर्सन आके क्या चेंजेस करेगा ये सारी वो चीज दिखी है। कोई कुछ लिखेगा या कुछ डिलीट करेगा या आके एंटर प्रेस करेगा, लाइन चेंज हो जाएगी या कमेंट में कोई चेंज आ जाएगा, टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह लेके चला जाएगा, टेबल बना रखे तो टेबल के सेल में कोई नया सेल इंसर्ट कर दिया, किसी सेल को डिलीट कर दिया, सेल को मर्ज कर दिया, सेल को स्प्लिट कर दिया, हमने टेबल में किया था ये ऑप्शन। तो अगर टेबल बनी हुई है तो उसमें ये चार प्रकार के चेंजेस आ जाएंगे। फॉर्मेटिंग है, कोई कलर कलर चेंज करता है, बोल्ड डिटेलिंग करता है तो वो फॉर्मेटिंग है। तो उसने देखा कि अगर कोई इसमें देखो ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल में अगर कोई कुछ इंसर्ट करे तो वो मैं चाहता हूँ कि वो एक तो अंडरलाइन आ जाए एंड उसके बाद वो आ जाए हमारे पास किस कलर का, मैंने कहा वो हमारे पास आ जाए ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा कुछ लिखेंगे तो। डिलीट, मैंने कहा डिलीट करता है तो स्ट्राइक थ्रो रेड कलर का ही रखता हूं मैं उसको। कोई लाइन चेंज करता है तो मैं चाहता हूं राइट साइड में एक बॉर्डर आ जाए ब्लू कलर का। कोई कमेंट में चेंज करे तो ऐसा आ जाए। कोई किसी टेक्स्ट को मूव करता है तो वो हम चाहते हैं कि भी येलो कलर का आ जाए, ठीक है। और उसके बाद टेबल के अंदर कोई चेंज होता है तो आप यहां से चेंज कर लीजिए, फॉर्मेटिंग चेंज होती है आप यहां से चेंज कर लीजिए। मैंने कहा चलो फॉर्मेटिंग चेंज होती है तो हम चाहते हैं कि वो पिंक कलर की हो जाए कलर, और साथ में वो कलर हो जाए बोल्ड हो जाए और पिंक हो जाए। इस तरीके से हमने सारे अलग अलग ऑप्शन रख दिए। ओके, अब आपकी फाइल में जब भी किसी प्रकार का चेंज होगा, मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ हेलो लिखा तो देखिए हेलो अलग कलर का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस मैटर को डिलीट करता हूँ तो देखिए वो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करके बोल्ड ही करता हूँ तो वो देखिए अलग कलर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी फाइल में किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा तो वो आपको अलग से शो हो जाएगा, देखते ही पता जाएगा कि मेरी फाइल में ये चेंजेस हुए हैं। अब इसके अंदर ऑप्शंस देखिए ये है, हमें अभी तो क्या है कि चेंजेस के साथ दिखा रहा है, ऐसा रखेंगे तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि भी मैंने चेंज किए और ये तो ट्रैक चेंज ऑन है, सामने वाले को पता चल रहा है। तो इसको आप क्या रखोगे, इसको रखोगे हम फाइनल। देखिए अब इसमें मुझे चेंजेस शो नहीं कर रहा, जो मैंने चेंजेस किए हैं जैसे चेंज किए वैसे ही दिखा रहा है, सामने वाले को लगेगा उसने चेंजेस कर दिए जो भी चेंज करना चाहता है आपकी फाइल में। लेकिन जब आपने ये ऑन कर रखा है तो फाइनल की जगह आप फाइनल शो मार्कअप करोगे तो आपको ओरिजिनल फाइल दिखाई दे जाएगी कि भी ये थी और ये काम हो चुका है इसके अंदर। इस तरीके से अपने ये देख सकते हैं शो मार्कअप। देखिए किस किस प्रकार का चेंजेस आपको शो, जैसे कमेंट वाला, इंक चेंज, इंसर्शन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग, किसी प्रकार के चेंजेस। एक ऑप्शन बैलून्स है, देखिए कई चेंजेस जो है मेरे बैलून्स के रूप में शो हो रहे हैं, ये बैलून्स कहते हैं इनको, जैसे कमेंट और ये फॉर्मेटिंग शो होगी ना ये, तो इसमें देखिए बैलून्स के अंदर शो इनलाइन, ठीक है, ये क्या शो रिवीजन इन बैलून। तो इसमें क्या है कि डिलीट को भी बैलून में दिखा रहा है, कई चीजें बैलून में ही आ जाएंगी सारी। ऑल इनलाइन, तो इनलाइन मतलब बैलून में कुछ नहीं आ रहा, इनलाइन ही आ रही है। और अगर मैं इसमें करता हूं कि भाई शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून, तो कमेंट और फॉर्मेटिंग को भी बैलून में दिखाएगा, बाकी चीजों को बैलून में नहीं दिखाएगा। तो ये साइड में जो चीजें आ रही है इन्हें बैलून्स कहा जाता है। रिव्यू पेन क्लिक करो तो साइड में रिव्यू पेन आ गया, इसमें दिखा रहा है कि भी इंसर्ट कहाँ हुआ है, डिलीट कहाँ हुआ है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हुई है, ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। अब हमारे पास जो इंसर्ट हुआ या जो डिलीट हुआ वो आप कैसे सही करोगे, उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन। तो देखिए अब हमारा क्लिक किया, मैंने कहा भी पहला चेंजेस, ये पहला चेंजेस हेलो पे कर्सर आ गया मेरे पास, अब मुझे ये रखना है तो एक्सेप्ट करूंगा, मतलब ये नया वर्ड बीच में चाहिए, एक्सेप्ट करो, देखो रखा रहेगा। फिर उसके बाद ये आ गया, अगर मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे ये चेंज रखना है कि भी ये चीज डिलीट हो जाए तो एक्सेप्ट करूं, और रिजेक्ट करूंगा तो पहले जैसा बन जाएगा, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये कमेंट है, मैंने कहा अभी कमेंट को रखना है मुझे, बट ये जो बोल्ड किया है इसको नहीं रखना, ये नया लिखा है इसको भी नहीं रखना, ये कमेंट है इस कमेंट को भी मैं रिजेक्ट कर देता हूं, तो कमेंट भी रिजेक्ट हो गया। यस, तो ये इस प्रकार हमारे सारे चेंजेस हमें शो होने लगे। एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब कौन सा चेंज आपने रखना है वो एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं रखना उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस कमांड थी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड कंपेयर अभी हम नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल कमांड है नहीं है, बट ये काम की बहुत कमांड है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इससे क्या होता है कि आपकी फाइल की सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाता है, जैसे ट्रैक चेंज भी सिक्योरिटी देता है लेकिन ये ट्रैक चेंज को भी सिक्योरिटी देता है।
वो कैसे देता है अभी देखिए हम देखेंगे। तो हमारे पास अगर अपने चलते हैं तो ये देखो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में हमें काम करना है। दो देखो रिस्ट्रिक्शन इसने दे रखी है कई प्रकार की, तो इसमें मेन हमारा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन होता है। ये फॉर्मेटिंग केवल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, बट एडिटिंग में सब कुछ आ जाता है। पहला है एडिटिंग के अंदर, देखिए हमारे पास नो चेंजेस, चार प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है, ट्रैक चेंज, कमेंट्स, फिलिंग द फॉर्म, नो चेंज, रीड ओनली। अगर मैं यहां करता हूं नो चेंजेस रीड ओनली, ये रखा और यहां कर दिया मैंने यस, चेंज की इसमें प्रोटेक्शन लगा दे, यस, पासवर्ड मांगेगा, मैंने ए और ए देके कंफर्म किया पासवर्ड और ओके कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि पासवर्ड लग गया, मेरी फाइल में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, बट कर्सर कहीं भी ले सकता हूं, ठीक है। देखो इसमें कमांड सारी ऑफ हो चुकी है आपकी, कोई भी कमांड नहीं चल रही, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां से कॉपी कर सकते हैं चीज को, कॉपी और किसी दूसरी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, ये काम इसमें हो जाएगा। मतलब कर्सर को आप सेट कर सकते हो, तो फाइल आपकी रीड ओनली है, बट इसमें से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी कॉपी इससे करके दूसरी फाइल में पेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे आपकी फाइल एक टाइप से सिक्योर है, इस फाइल में चेंजेस नहीं होगी। प्रोटेक्शन को हटाना है तो जिसको प्रोटेक्शन का पता है पासवर्ड वो हटा सकता है, रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन पे क्लिक किया तो प्रोटेक्शन और पासवर्ड दे दिया मैंने ए, ओके, प्रोटेक्शन हट चुकी है। अब आप कुछ भी लिखना चाहो आप आराम से यहां कुछ भी लिख सकते हो। दूसरी प्रोटेक्शन है इसमें फिलिंग द फॉर्म, देखिए रीड ओनली वाली और ये दोनों लगभग सेम होती है, मतलब लास्ट वाली ये दो देखिए फिलिंग द फॉर्म और नो चेंज लगभग सेम है, बट इसमें एक अंतर होता है, वो ये होता है कि जब आप फिलिंग द फॉर्म टाइप की प्रोडक्शन करोगे तो आपकी फाइल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, मतलब कॉपी भी नहीं कर पाओगे, कर्सर भी मूव नहीं होगा। मैंने यस किया एंड यहां प्रोटेक्शन डाल दी, यस यस ओके। अब जो आपकी फाइल है देखिए कर्सर आपका स्टार्टिंग में रहेगा, कर्सर भी चेंज नहीं होता, मैंने लास्ट में कर्सर क्लिक करना चाहूंगा वापस स्टार्टिंग में चला जाएगा, तो इसमें आपका कर्सर भी चेंज नहीं होता। बाकी क्या है कि लिखा तो वैसे भी नहीं जाएगा, देखिए कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, सारी कमांड्स ऑफ है। तो ये हमारी प्रोटेक्शन होती है कि मेरी फाइल को कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। यहाँ हटाना हो तो वही जिसको पता है प्रोटेक्शन का, यस स्टॉप प्रोटेक्शन, पासवर्ड दिया, ओके किया, हट गया, अब आप लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट्स है तो कमेंट में किसी प्रकार का चेंजेस होगा वो आपको पता चल जाएगा। ट्रैक चेंज, अब देखिए अभी हमने ट्रैक चेंज लगाए थे, सपोज आपने अपनी फाइल को इसमें ऑन कर दिया और ट्रैक चेंज लगा दिए, अब जब आपने ट्रैक चेंज लगाए तो सामने वाला चेंज करने के लिए इसको तो ऑफ कर सकता है, ऑफ करके काम कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रैक चेंज को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि भी मैं ट्रैक चेंज ऑन करूंगा तो उसको कोई ऑफ ना कर सके। वो कैसे होगा, ट्रैक चेंज यस और ट्रैक चेंज के लिए प्रोटेक्शन दे दी मैंने वन वन, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहां क्या है कि देखो मेरा ट्रैक चेंज परमानेंट ऑन हो चुका है, ऑन हो गया, यहां आप ऑप्शन में जाके ऑप्शन चेंज कर सकते हो वैसे, बट ट्रैक चेंज मेरा ऑन है, अपने आप ही ऑन रहता है, और जब लिखोगे देखिए ट्रैक चेंजेस वाले कमांड चल रही है। तो इस तरीके से हमारा ट्रैक चेंज चलता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैक चेंज की कमांड होती है, और स्टॉप करेंगे प्रोटेक्शन हटा लेंगे, ओके करेंगे और ट्रैक चेंज का प्रोटेक्शन हट जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ रिव्यू टैब की कुछ कमांड्स थी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।